भाई जानते हैं इनसे क्या रहेगा मौसम का हाल। गर्मी बाहर है तो रहेगी, और भोपाल में जो है 39.1 था। जनता है वो सेफ कैसे रह सकती है? नहीं, इस पे तो क्या है कि हीट वेव के चांसेस है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम देख रहे हैं इन दिनों मौसम में काफ़ी हलचल हो रही है, इसी को जानने के लिए हम मध्य प्रदेश भोपाल के वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट में आए हैं और हमारे साथ हैं परमेंद्र कुमार सर। तो आइए जानते हैं इनसे क्या रहेगा मौसम का हाल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अभी हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े समय में मौसम बदल रहा है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बारिश बढ़ जाती है, तो सर इसका क्या कारण है? अभी जो है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ईरान और अफगानिस्तान के पास है, और एक ट्रप जो है वो साउथ छत्तीसगढ़ से रायलसीमा तक है। इसके कारण जो है ना कि आज तो वेदर 4 तारीख को दोनों जगह ड्राई वेदर है मध्य प्रदेश में, लेकिन आने वाले समय में गस्टी विंड के साथ आइसोलेटेड रेन और थंडर होने की संभावना है। प्रमुख जो जगह है वो है नर्मदापुरम, बैतूल, और कुछ जगह हीट वेव चलने की संभावना है जे 7 तारीख से। तो उसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर नहीं है, रतलाम, उज्जैन और यहाँ नीमच, मंदसौर और जो ईस्ट एमपी के कुछ ज़िले वहाँ रेन और थंडर स्टॉर्म गस्टी विंड के चांसेस रहेंगे। अनूपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट प्रमुख हैं। अच्छा, तो सर ये थोड़े से प्रमुख आपके आपने बताया ज़िले हैं। सर पिछले बार मतलब पिछले कुछ सालों में कि क्या क्या चेंजेस आया वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट में? नहीं, थोड़ा सा चेंज तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन अभी जो गतिविधियां रेन की मई के महीने में कम देखी गई हैं, रहती तो है लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, और सर जो वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट है उनको जो वेदर डिटेक्ट करने में किन किन चीज़ों की किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियाँ आती है? नहीं, वेदर तो हमारे यहाँ जो है कि जो ऑब्जर्वेटरियाँ हैं वहाँ से वेदर कंटिन्यू आता है, हर 3 घंटे में वेदर अपलोड होता है और वो सारा दिल्ली भेजा जाता है, उसके द्वारा ही फोरकास्ट संभव है। अच्छा, और सर कुछ लोग मतलब जो लोग हैं अपने आसपास के वो कई सारी गलत फहमियाँ पाल के बैठे रहते हैं कि वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट है हमेशा गलत बताता है, तो ऐसा इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम फोरकास्ट जो रहता है वो पूरी तरह सही आ रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लाइट रेन का चांस जो है कि जैसे बहुत बड़ा प्रदेश है वहाँ किसी हिस्से में लाइट रेन हो जाता दूसरी जगह नहीं होता, तो वो ऐसा नहीं होता है। लाइट रेन मतलब लाइट रेन कम है और टेम्परेचर तो सभी देख ही रहे हैं कि गर्मी बाहर है तो रहेगी। अच्छा सर, ये बीते कुछ दिनों में ये जो सबसे अधिकतम तापमान रहा है वो क्या रहा है सर अपने यहाँ का? अभी जो है कि कल जो अधिकतम तापमान था वो नरसिंहपुर में प्राप्त हुआ है 42.0 और भोपाल में जो है 39.1 था और मिनिमम तापमान 23.0 प्राप्त हुए थे। अच्छा सर, आने वाले कुछ दिनों में कुछ बारिश के अनुमान लगाए जा सकते हैं अपने मध्य प्रदेश भोपाल में? नहीं, अभी तो भोपाल में नहीं दे रहे हैं, 4-5 दिन तक ड्राई वेदर है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। अच्छा, और सर ये जो मौसम बदल रहा है इससे जो आम लोग हैं, आम जनता है वो सेफ कैसे रह सकती है? नहीं, इसमें तो क्या है कि हीट वेव के चांसेस हैं, तो एक तो धूप में ही नहीं निकलें, ऊपर से अपना टॉवल और छाता लेके जाएं, ठंडा पानी पिएं, जूस पिएं और अपने आप को सेफ करके चलें और जो है ज़्यादा छाए में बैठें। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे वेदर फॉरकास्ट साइंटिस्ट परमेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया कि हम कैसे जो मौसम बदल रहा है उससे सेफ रह सकते हैं और क्या रहेगा इन दिनों का तापमान। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।